प्रॉक्सिमिटी सेंसर ऑफ ड्यूरिंग कॉल स्क्रीन ऑफ प्रॉब्लम। कॉल करने पर डिस्प्ले ऑफ हो जाता है। आपको ये प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रही है किसी भी स्मार्टफोन के अंदर, ज़्यादातर ये रियलमी के स्मार्टफोन के अंदर आपको ये प्रॉब्लम आ रही होगी। जब भी आपको कोई कॉल करता होगा या आप जब भी कॉल करते होंगे तो वहाँ पे आपकी जो माल की स्क्रीन है वो स्विच ऑफ यानी कि बंद हो जाती होगी। तो इस वीडियो में 100% सॉल्यूशन है। बस आप ये दो सेटिंग कर लीजिए, उसके बाद आपकी प्रॉब्लम है 100% सॉल्व हो जाएगी। आपका रियलमी का या कोई भी किसी भी कंपनी का फ़ोन है, इसमें आपको 100% सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपनी मोबाइल की सेटिंग में आएंगे। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे आपको ढूंढना है एडिशनल सेटिंग। एडिशनल सेटिंग पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आपको देखना है डेवलपर ऑप्शन। ये देख सकते हैं डेवलपर ऑप्शन ये रहा, ठीक है। और यहाँ डेवलपर ऑप्शन पे आप टैप करेंगे, उसके बाद आपको इस तरीके से नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। क्विक सेटिंग डेवलपर टाइटल्स, इस पर आपको टैप करना है। और यहाँ पर आपका जो सेंसर है, यहाँ पर आपका सेंसर ऑन हो सकता है, तो बस इस सेंसर को यहाँ से आप बंद कर दीजिए। बंद करने के बाद यहाँ से आप बैक चले आएंगे। बैक आने के बाद आपको अपने मोबाइल के फाइल मैनेजर में जाना है। फाइल मैनेजर में जाएंगे, यहाँ पे आपको फोन स्टोरेज में जाना है। फोन स्टोरेज में जाएंगे, यहाँ पे आपको ऐप्स में जाना है। ऐप्स यहाँ पे लोडिंग होंगे, लोडिंग आपको यहाँ पे हो जाने देना है। लोडिंग होने के बाद अब इसे आप ऊपर की तरफ एक बार स्क्रॉल करेंगे, फिर से नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ पे ऐप्स इस तरीके से आ जाएंगे। तो यहाँ पे जितने भी ऐप्स हैं उनका एक एक करके आपको क्लियर कैच करना है। कैच ज़्यादा डाटा बढ़ने के कारण आपका फ़ोन हैंग होता है। हैंग होने के कारण भी ये प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिल सकती है। ये आपको करना होगा। ये आपको करने के बाद आपकी जो प्रॉब्लम है 100% फिक्स हो जाएगी। उसके बाद भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आपको अपने प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाके डाटा ऑन करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है फोन बाय गूगल। ये एप्लीकेशन आपको अपडेट करनी होगी। अपडेट करने के बाद यदि आपके फ़ोन में पहले से अपडेट है तो इस पर आप लॉन्ग प्रेस करेंगे, ऐप इन्फो पे टैप करेंगे, उसके बाद इसे आप फोर्स स्टॉप कर दीजिए। फोर्स स्टॉप करने के बाद स्टोर यूज पे क्लिक करिए, क्लियर डाटा कर दीजिए। क्लियर डाटा करने के बाद आप यहाँ से बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद यहाँ पे मैनेज नोटिफिकेशन पे टैप कीजिए। इसके बाद यहाँ पे ये देख लेना होगा इस तरीके से नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन यहाँ दोनों टच है कि नहीं है इस तरीके से। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपको परमिशन भी दे देनी है। परमिशन तो यहाँ पे सभी अलाउड होती हैं लोकेशन स्टोरेज की छोड़ के। फिर यहाँ से आपको बैक चलना है। फिर आप अपने मोबाइल का पावर वाला बटन दबाएंगे। पावर वाला बटन दबाने के बाद यहाँ पे आपको रीस्टार्ट का ऑप्शन मिलेगा। अपने फ़ोन को रीस्टार्ट कर दीजिए। उसके बाद आपके फ़ोन के अंदर जो भी टेम्पर्ट लगा होगा यानी कि जो भी ग्लास लगा होगा वो प्रॉक्सिमिटी सेंसर के ऊपर होगा, तो उसे यहाँ से आप हटवा दीजिए। फिर से नया लगवाइए। प्रॉक्सिमिटी सेंसर के ऊपर नहीं होना चाहिए ग्लास। और यहाँ पे जो भी कवर आपने लगा रखा है वो कवर भी यहाँ पे ढका नहीं होना चाहिए प्रॉक्सिमिटी सेंसर। दोस्तों इस तरीके से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर प्रॉक्सिमिटी सेंसर के अंदर फिर भी आपको प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रही है तो इसे यहाँ से साफ़ कर दीजिए, ठीक है। साफ़ करने से भी जैसे दांत वाला ब्रश होता है जिससे हम कुल्ला करते हैं, वो आपको यहाँ से थोड़ा कर देना है। और उसमें ये देख लेना है कि पानी ना हो, ठीक है। और आपकी जो प्रॉब्लम है 1% नहीं 110% फिक्स हो जाएगी। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी।